कोटा जिले की सांगोद से विधायक भरत सिंह ने झालावाड़ में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सलाह दी है। कहा कि गहलोत, और मेरा जन्मदिन एक ही वर्ष का है, मैं भी चार बार विधायक रह चुका हूं और वह भी चार बार विधायक रह चुके हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुका हूं। आप उनको भी युवाओं को आगे लाना चाहिए क्योंकि वह भी तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे में उनको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करनी चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं हूं। भरत सिंह कनवास में 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट दोनों ही नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे। मैंने यही कहा है कि अशोक गहलोत जी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 साल, और हम वापस चुनाव में जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी और मेरा जन्म एक ही साल का है। मेरी मान्यता यह है कि हमारे पास प्रदेश में युवा शक्ति उपलब्ध है, तो इस चुनाव में मेरा सोच है कि कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। मेरा सोच है, व्यक्तिगत मेरा सोच है कि मुख्यमंत्री जी अगर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा करें कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार नहीं हूँ, मेरा तो एक सोच है, एक सपना है मुख्यमंत्री रहते कि कांग्रेस की सरकार वापस आए और मैं पीछे हटकर किसी भी युवा चेहरे को, चाहे वो सचिन पायलट है और या फिर दूसरा चेहरा है, उनको आगे करूँ। मेरा संकल्प है कि युवक आगे आए। भाई अभी जैसा है कि मैंने आपको बताया कि मैं इस सभा को, जैसे मल्टी स्टार कोई फिल्म होती है ना, उसमें बहुत सारे नगीना गण के उसके अंदर फिल्म को चलाने के लिए अलग अलग को बुलाते हैं, वैसा नहीं करता। राजीव गांधी जी का जन्मदिन मना रहा हूँ और मुख्य रूप से सचिन पायलट को मैंने आमंत्रित किया है, और रंधावा जी उन मिले थे तो उन्होंने भी कहा मैं आऊँगा, रंधावा साहब ने कहा मैं आऊँगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैंने पत्र लिखा है, मगर मैं क्योंकि इस प्रकार से मुखर होकर बोलता हूँ तो शायद इसलिए वो समय नहीं दे पा रहे,